करना, एक बार कंफर्म कर देना सर, जैसे मैसेज आ जाएगा आपको। आई थिंक आ गया रिकॉर्डिंग मैसेज। ओके सर, गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इनकम टैक्स में हम लोग क्या बात कर रहे हैं सर? हाउस प्रॉपर्टी। सर इनकम टैक्स में रोज बताता हूँ और बताता रहता जाऊँगा सर ऐसा। इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर गवर्नमेंट हमसे इनकम टैक्स लेता है, याद है ना सर? अगर याद नहीं है तो मैं रोज याद दिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का काम ही है टैक्स कलेक्ट करना, नहीं तो गवर्नमेंट चल नहीं सकता। गवर्नमेंट का जो बेसिकली चलने का ताकत जो होता है, जैसे फैमिली को इनकम करना पड़ता है ना, वैसे ही गवर्नमेंट को भी इनकम करना पड़ता है। गवर्नमेंट जो इनकम करता है उसका लिस्ट मैं आप लोगों को हमेशा शो करता रहता हूँ। गवर्नमेंट बजट में मैं आपको हमेशा लेके जाता हूँ। गवर्नमेंट का जो बजट होता है ना, उस बजट के अंदर गवर्नमेंट बताता रहता है कि भाई हमें टैक्स दो, नहीं तो हम चल नहीं सकते। और टैक्स में अच्छा रिसेंटली रिपोर्ट आया है, आप लोगों ने देखा, इनकम टैक्स कलेक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है। किसी के पास ये खबर है? इनकम टैक्स कलेक्शंस में पहले से ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, ये एक गुड न्यूज़ है। बिकॉज इंडिया में हम लोग इनकम टैक्स देना पसंद नहीं करते। देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स ना सर, देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट में निकाला आपके सामने स्क्रीन में। इस बजट में आप गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीप्ट देख सकते हो सर। ये गवर्नमेंट एक्चुअल्स और एस्टिमेट्स 2021 का, 2021-22 का, 2021-22-23 का एस्टिमेटेड एंड बजटेड एक्चुअल्स एंड एस्टिमेटेड डिटेल्स दिखाता रहता है सर। उसमें गवर्नमेंट जो इनकम करता है उसका रेवेन्यू जो आता है मैक्सिमम टैक्स से आता है। ठीक है, ये देखिए सर, ये टैक्स टू रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू नेट टू सेंटर, मतलब तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पहुंचता है स्टेट को देने के बाद, इतना करोड़ का हिसाब है सर। ठीक है, ये 2020-21 का है, 2020-21 की, ये एक्चुअल्स में ऊपर 1,42,6,000, नहीं सर कितना सर, 14 लाख, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, 14,26,287 करोड़ का, 14 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया। 14 लाख करोड़ सर, आपको लगता है बहुत अमाउंट है, लेकिन जब आप भारत जैसे इतने विशाल देश को देखोगे ना, जब इसका इतना बड़ा फैमिली मेंबर को देखोगे तो आपको ये बहुत छोटा सा नजर आएगा। ठीक है, 140 करोड़ पॉपुलेशन को जब संभालना पड़ता है तब समझ में आता है। हम लोग तो सर फैमिली में 4 मेंबर को संभाल नहीं पाते। हाँ, नॉर्मली इंडिविजुअल जो फैमिलीज होते हैं हमारे सोसाइटीज में, कितना एवरेज में 4-5 जन का फैमिली मेंबर्स, उसी में हम लोग पागल हो जाते हैं कि कैसे क्या होगा नहीं होगा। ये तो 140 करोड़ का एक फैमिली मेंबर का एक देश, एक कंट्री, उसका कलेक्शंस में रेवेन्यू सबसे ज्यादा कलेक्शन टैक्स से ही होता है। और इसके अलावा दूसरा जो जगह है लाइक कैपिटल रिसीव्स, नॉन टैक्स रेवेन्यूज होता है सर, बट कंपेरेटिवली कम। रुपीज कम्स फ्रॉम, मैं हमेशा आपको एक बार दिखाता रहता हूँ कहाँ से पैसा आता है सरकार को। अगर आप इसका लिस्ट देखोगे तो गवर्नमेंट अगर 100 रुपीज इनकम करता है तो उसमें इनकम टैक्स से कमाते हैं 15%, जो हम लोगों का करेंट सब्जेक्ट है, जो क्लास हम लोग अभी कर रहे हैं इनकम टैक्स का क्लास है। और एक टैक्स हम लोग अभी इस पर्टिकुलर CSE SCMA के टॉपिक में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, दैट इज GST, एज वेल एज और एक टॉपिक भी पढ़ेंगे दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, कस्टम्स भी पढ़ना पड़ता है, कस्टम्स, ये सब टैक्स रेवेन्यू है। अगर आप देखते हो ये टोटल पाई जो है 100% का पाई है, इट्स 100% का पाई। इस 100% में 15% इनकम टैक्स से आता है, जीएसटी से 17 से 18% आता है, 16% जीएसटी से 16% रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता है, 15% इनकम टैक्स से, 15% कॉर्पोरेट टैक्स से, 5% कस्टम से मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स है, और ये भी टैक्स है एक्साइज ड्यूटी जो आज के डेट में जीएसटी के अंदर इंक्लूड हो गया, यहाँ से भी 7% आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 5% एंड नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट 2%, गवर्नमेंट का 100 में से 35% लोन आता है सर। लोन डेब्ट मतलब क्या, लोन, गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए 100 में से 35% लोन लेता है और उसमें से खर्चा भी करता है 20%। मतलब इंडियन गवर्नमेंट इंडिया को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, परिवार को पालने के लिए
अगर 100 रुपीस का जरूरत पड़ता है तो 35 रुपीस का लोन लेते हैं सर, बोरोइंग से अदर लायबिलिटीज, और बाकी जो इनकम होता है वो टैक्स से आता है, मैक्सिमम टैक्स से आता है, मैक्सिमम मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90%, हार्डली 7% एरिया है जो नॉन टैक्स रेवेन्यू से है, मतलब 7-8%, 10% मैक्स टू मैक्स, बाकी सारा टैक्स है। अब उसमें कुछ कॉर्पोरेट टैक्स है, कुछ इनकम टैक्स है, कुछ कस्टम मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी है, कुछ एक्साइज ड्यूटी मतलब मैन्युफैक्चरिंग लेवल में आता है, और जीएसटी। अब आज के डेट में गवर्नमेंट का पूरा फोकस दो चीजों में, दो तीन चीजों, एक कॉर्पोरेट बढ़ेगा तो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ेगा, इनकम टैक्स लोगों का इनकम इंक्रीमेंट होगा तो लोगों को डायरेक्टली टैक्स देना पड़ेगा, ये डायरेक्ट टैक्स है, पब्लिक इनकम करता है गवर्नमेंट के घर में जमा करता है, एंड जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, सबसे पॉपुलर टैक्स में से एक, इसमें गवर्नमेंट का हमेशा नजर गड़ा रहता है कि अभी इस प्रोडक्ट में टैक्स जीएसटी लगा देंगे, अभी उस प्रोडक्ट में जीएसटी लगा देंगे, जब जीएसटी लगाते हैं तो हम लोग चिल्लाते हैं इसमें जीएसटी लगा दिया, कोई मतलब नहीं है पागल, एकदम चोर चोर गवर्नमेंट है। पर ये इसका क्या करे सर, चाहे कोई भी करे, बीजेपी करे कांग्रेस करे, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे, ठीक है। आज बीजेपी का सरकार है, कल कांग्रेस का आ सकता है, किसी और पार्टी का आ सकता है, कल आप भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं सर, कोई भी आ सकता है। कल टीएमसी भी देखोगे वेस्ट बंगाल सेंट्रल गवर्नमेंट को चलाने टीएमसी आ गया, हाँ कोई भी आ सकता है, अरे भाई डेमोक्रेसी है, सबका अधिकार है। लेकिन सर बात वो नहीं है, कौन सा पार्टी आ रहा है, कौन सा पार्टी जा रहा है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। एक बड़ा फेमस डायलॉग है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आप लोग अगर कभी सुनोगे यूट्यूब में मिलता है, मैं कभी कभी सुनता हूँ, पार्लियामेंटेरियन तो उनको अभी तक का वर्ल्ड्स बेस्ट पार्लियामेंटेरियन माना जाता है, कि भाई पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी बट देश चलते रहना चाहिए। अब देश का मैटर जब आता है ना, तब पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो भी पार्टी है वो अपने जगह में है, अपना अपना एजेंडा हो सकता है, बट कंट्री का फाइनेंशियल सिचुएशंस का क्या करें। इनकम टैक्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, इनकम टैक्स पढ़ के क्या करोगे, क्या देश का इनकम बढ़ाओगे? सर देश की इनकम तो आप डायरेक्टली नहीं बढ़ा सकते, पर देश की इनकम को बढ़ाने में आपका योगदान बहुत ज्यादा है। अगर कंट्री का इनकम कम कर सकते हो और कंट्री का लायबिलिटी को कम कर सकते हो तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा देश सेवा है। जरूरी नहीं कि हर कोई बॉर्डर में जाके निचकाओ करे, बंदूक चलाए, ऐसा जरूरी नहीं है। देश सेवा करने का मौका बॉर्डर पे बिना जाके भी मिलता है। कोई बोलता है कि मैं तो आर्मी में जाता, मैं तो मिलिट्री में जाता, देश के लिए शहीद होता, अरे भाई देश के लिए शहीद होने के लिए है, जवान है सर, लेकिन देश को बचाने के लिए, देश को चलाने के लिए, देश को एक स्मूथ वे में ऑपरेट करने के लिए वी नीड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी नीड अ कंपनी सेक्रेटरी, वी नीड अ कॉस्ट अकाउंटेंट। सर कॉमर्स वाले देश का सेवा कर सकता है, बस सोच होना चाहिए। प्रॉब्लम है कि हम लोग देश सेवा से ज्यादा करप्शन का सोच लेता है ना, पैसा देखते देखते ही जैसे हो जाता है। चलो सर ये सब ज्ञान की बात तो कोई मतलब नहीं होता, बट आपको बस इतना कहना चाहता कि ये गवर्नमेंट के लिए टैक्स कितना जरूरी है, जीएसटी कितना जरूरी है, अगर आप इस बात को रोज याद करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको इनकम टैक्स क्यों पढ़ना चाहिए, आपको इनकम टैक्स में नॉलेज क्यों बढ़ाना चाहिए, आपको जीएसटी में नॉलेज क्यों ग्रो करना चाहिए, ठीक है। अगर खुद का सेवा करना है साथ में थोड़ा देश सेवा भी कर लेना, अपना समाज का भी सेवा कर लेना, ठीक है, दैट्स द डिफरेंट पार्ट। सर रुपी गोज टू, सरकार का खर्चा कहाँ होता है, इतना पैसा जो कमाता है कहाँ जाता कहाँ है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में जाता है। सबसे ज्यादा खर्चा तो अगर गवर्नमेंट 100 रुपीज इनकम करता है तो 20 रुपीज इंटरेस्ट देने में चला जाता है। तो एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉमर्स प्रोफेशनल, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, ये हम लोग का एक इतना जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम लोग इतना कोशिश करें कि गवर्नमेंट का इनकम बढ़ाए, गवर्नमेंट का इनकम बढ़ाए, तो फिर इंटरेस्ट पेमेंट में कम से कम 100 में से 20% खर्चा ना हो। अगर ये 20 का इंटरेस्ट कम करके कम से कम 15 कर दे, है ना, तो फिर ये बाकी 5% नहीं सर, ये तो लाखों करोड़ों में होता है, ये 5% हम किसी डेवलपमेंट पे यूज कर पाए, हम लोग हेल्थ को ठीक कर पाए, हमारे एजुकेशन सेक्टर को ठीक कर पाए, स्पोर्ट्स सेक्टर को ठीक कर पाए, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट एरिया स्कोप है, बट उसके लिए आपको खर्चा बचाना पड़ेगा। सर खर्चा बचाना भी इनकम होता है, आप लोगों को पता है खर्चा बचाना भी इनकम होता है? अरे होता है कि नहीं है? आप 100 रुपया कमा नहीं सकते बट आप 100 रुपया बचा सकते हो। इफ यू सेव 100 रुपीज डोंट यू थिंक दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इनकम?
अगर आप 100 रुपीज सेव करते हो, क्या ये इनकम नहीं है? दिस इज ऑल्सो इनकम. आपको पता है एक इंटरेस्टिंग चीज मैं कल डिस्कवर किया, आई डोंट नो आप लोग कभी डिस्कवर किए कि नहीं, मैं कल डिस्कवर किया तो मैं आपसे शेयर करता हूँ. एक बड़ा अच्छा लाइन मुझे कहीं दिखा और लाइन का मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. लाइन ऐसा है सर, व्हाट यू सेव सेव अस, और व्हाट वी सेव सेव अस. ऐसा बोलो कि व्हाट वी सेव सेव अस. तब हम जिसको बचाते हैं वो हमें बचाते हैं. मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है सर. इन जनरल है कि सर अगर हम पेड़ पौधा ये सब लगाएंगे, इन जनरल अगर ज्योग्राफी वे में देखा जाए तो हमें ऑक्सीजन देगा, नेचुरल क्लाइमेट अच्छा देगा, वेदर क्लाइमेट ये सब चेंजिंग वगैरह. वेरी गुड. लेकिन दिस इज नॉट जस्ट इन नेचर. मैंने तो ये इसको सिर्फ नेचर में ही सोचा था, बट मुझे ये बहुत बड़ा लगा. व्हाट वी सेव सेव अस. अगर हम ट्री को बचाएंगे तो ट्री हमें ऑक्सीजन देगा. अगर हम पेड़ पौधा को प्राणी को बचाएंगे, है ना, मतलब सिर्फ खाएंगे नहीं सर, प्राणी को खाने में हम लोग का बड़ा मन है. प्राणी को बचाना सबको जीने का अधिकार है, बट एक 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 सस्टेनेबल वे में सर, इकोलॉजी को खराब करके नहीं. आपको पता है ये जो प्रधानमंत्री चीता को लाया, ये चीता जो नामीबिया से लाया गया, पहले हमारे देश में भी चीता होता था सर. चीता एंड लेपर्ड इज डिफरेंट. आप लोगों को पता है लेपर्ड जिसको हम लोग बंगाली में चीता बाघ बोलते हैं, चीता बाघ एंड चीता इज अ डिफरेंट एनिमल्स. चीता बाघ जो है वो, यस सर, हाँ वेरी गुड सर, लेपर्ड एंड चीता इज अ डिफरेंट एनिमल्स. चीता जो तेंदुआ, हाँ तेंदुआ, ठीक है. चीता जो है सर वो 3 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड में भाग सकता है, मतलब वर्ल्ड फास्टेस्ट स्प्रिंटर, ठीक है, 3 सेकंड में 100 किलोमीटर का स्पीड ले सकता है, वो है चीता. चीता बाघ जो है उतना स्पीड नहीं है, फिर भी खराब नहीं है उसका, 58-60 किलोमीटर का वो चल जा सकता है स्पीड में. चीता जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं चीता बाघ, वो अलग है. और जो चीता जैसा देखने में बाघ है वो खूंखार है. चीता बाघ इंसान खाता है, बट चीता इंसान को नहीं मारता, दूसरे जानवर को मारता है. लेकिन सर हम लोगों ने चीता को खत्म कर दिया. क्या करके हमारे पुराने राजा महाराजा ने, मुगल ने क्या कर दिया, शिकार कर करके अपने आप को बड़ा शेर समझा के, है ना, शेर बहादुर, जंग बहादुर उपाधि लेता था और सब मार के खत्म कर. कहा जाता है कि पुराने जमाने में राजा लोगों के पास चीता का लाइन लगता था जो शिकार करने में हेल्प करता था, बट आज भारत में चीता है ही नहीं, तो हम लोग खत्म कर दिए. सर कहने का मतलब है कि अगर आप नेचर को बचाओगे तो नेचर आपको बचाएगा, अगर आप पैसा को बचाओगे तो पैसा आपको बचाएगा, अगर आप रिलेशन को बचाओगे तो रिलेशन आपको बचाएगा, रिश्तेदारों को बचाओगे तो रिश्तेदार आपको बचाएगा, अब जिसको बचाओगे वो आपको बचाएगा, ठीक है. मतलब व्हाट वी सेव सेव अस, ठीक है. तो इसलिए सेव करना सीखिए, इसका मतलब कंजूस बनना नहीं रे बाबा. सेव करना मतलब कंजूस बनना नहीं, दोनों चीज़ों में फर्क होता है. वट एवर, कंट्री के लिए भी सेम. अगर हम कंट्री का थोड़ा सेविंग बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं, या तो इनकम बढ़ा के हेल्प कर सकते हैं और थोड़ा सेविंग बढ़ा के, हमेशा टारगेट ऐसा होता है सर, चाहे फैमिली चलाओ या कंट्री, खर्चा कम करो इनकम ज़्यादा करो. ये हर फैमिली का, हर कंट्री का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट एक बार हो गए कभी ना जावे. एक फैमिली कभी भी प्रॉब्लम में क्यों नहीं पड़ना, मतलब कुछ कुछ फैमिलीज होते हैं जिनका परफॉर्मेंस हमेशा ना स्टेबल होता है, वो प्रॉब्लम में भी ना अपने आप को संभाल सकता है. लेकिन उसके लिए ना उस फैमिली के अंदर वो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, व्हाट वी सेव सेव अस. उनको रिश्तेदारी संभालना चाहिए, उनको रिलेशन संभालना चाहिए, उनको पैसा संभालना चाहिए. प्रॉब्लम ये होता है कि फैमिलीज में रिलेशनशिप आजकल हमेशा रिस्क में होते हैं, पैसा हमेशा रिस्क में आ जाता है. भाई अभी तो प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम चल सकता है, प्रॉब्लम बोल के नहीं आता. कंट्री का प्रॉब्लम आ जाता है, श्रीलंका का देखा हालत, श्रीलंका का हालत, नेपाल का सिचुएशन, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा नहीं है, उधर तुर्की बहुत खतरनाक हालत में है, अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे, फिर वेनेजुएला. वेनेजुएला में तो लोग मार दूसरे को मार दे रहे सर. लेबानन एक अफ्रीकन नेशन है, लेबानन मिडिल ईस्ट में पानी तक नहीं है सर. मतलब कहने का मतलब क्या, वही एक ही बात घूम फिर के आता है, व्हाट वी सेव सेव अस. तो एक कंट्री चलाना इतना आसान चीज नहीं होता. बाहर बैठ के हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ये नहीं कर रहा. हम लोग का तो एक ही क्रिटिसाइज है, जॉब क्रिएट कर पाया कि नहीं. अरे भाई जॉब क्रिएट
ऐसे नहीं होता है, ठीक है, बताएंगे कभी उसके बारे में। लेकिन आपको बात को समझाना था मुझे कि ये जो इतना सारा खर्चा है, इतना सारा जो गवर्नमेंट इनकम करता है, कहाँ जाता है, और उसमें इनकम टैक्स का रोल प्ले कितना है, बहुत बड़ा। जीएसटी का रोल प्ले कितना है, बहुत बड़ा। इसीलिए हम लोग टैक्स को कितना सम्मान के साथ पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा, है ना। इसलिए टैक्स पेपर जो आप लोग पढ़ते हो, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, उसमें इनकम टैक्स और जीएसटी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों इनकम टैक्स पढ़ते हो और क्यों जीएसटी पढ़ते हो। खर्चा में देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में जाता है 15%, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट में 20%, डिफेंस में खर्चा होता है 8%, स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, जो भी सेंट्रल कमाते हैं उसका 17% स्टेट को देना पड़ता है, पेंशन लोगों का बैठे बैठे जो पेंशन देना पड़ता है ओल्ड एज को 4%, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जाता है 9%, कुछ इधर उधर का एक्सपेंडिचर और भी होता है कंट्री का, उसमें चला जाता है 9%, ठीक है, सब्सिडीज देने में 8%, ये जो एलपीजी हमारे घर में जो पहुंचता है, पेट्रोल डीजल का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सब सब्सिडाइज्ड है। अगर सब्सिडी हटा देना पेट्रोल डीजल से, एलपीजी से, अभी थोड़ा कम किया तो हम लोग का हालत खराब हो गया। अगर नॉर्मल हालत में छोड़ देता तो यही जो एलपीजी है 1500 के आसपास का दाम होता, अभी ऐसे ही 1000 के आसपास चल रहा है, 1100, इसी में हालत खराब हो जाता है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी में 8% खर्चा करता है, फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर में 10% खर्चा करता है। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट को पैसा चाहिए सर, तभी जाके वो देश को अलग अलग बेनिफिट दे सकता है। इतना सब खर्चा करने के बाद सरकार के पास हमारा जो दो बेस्ट नीड जरूरी चीजें हैं, हेल्थ सेक्टर्स, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, एडुकेशन सबके लिए, प्राइवेट एडुकेशन का बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये सब में खर्चा करने के लिए सरकार के पास प्रॉपरली पैसा नहीं है, इसीलिए डेवलपमेंट बड़ा जरूरी है। जो भी हो, बट आई होप यू अंडरस्टैंड टैक्स का जरूरत कितना है। अब गवर्नमेंट क्या किया इस टैक्स को समझाने के लिए, टैक्स को बताने के लिए, हमारे सामने हेड्स बना दिया, बोलते कि भाई ठीक है आप इनकम करोगे हम टैक्स लेंगे, बट कौन सा इनकम, कैसा इनकम। तो गवर्नमेंट इसको 5 हेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, पीजीबीपी हेड, कैपिटल गेन हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मैंने रिसेंटली सैलरी हेड कराया आप लोगों को, बाद में फिर से करवाऊंगा, जिन लोग अभी सैलरी नहीं करेगा वो बाद में करेगा, आज नहीं तो कल तो करना ही है सबको सब कुछ। करेंटली मैं डिस्कस कर रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी हेड के बारे में, ठीक है, और आज मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। ऐसे सेक्शन वाइज देखा जाए तो सैलरी के बारे में 15 से 17 में बात किया गया, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में सेक्शन 22 से लेके 27 के बीच में बात करा गया। ये सब सेक्शन याद रखना जरूरी है, बिकॉज आपको जो रूल याद रखना है, प्रोविजन याद रखना है, ये सभी चीजें एज पर प्रोविजन होता है और प्रोविजन सेक्शन में होता है, इसीलिए सेक्शन याद रखना जरूरी है। ये मत बोलना सर सेक्शन भूल गए, सर भूलने से चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरीज को भूलने का परमिशन नहीं है, मतलब एटलीस्ट फॉर एग्जाम पर्पस, ठीक है। इसके बाद हम लोग पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स करेंगे, बट उससे पहले हाउस प्रॉपर्टी में अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी हैं जो मैं अगला एक दो दिन में आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, बहुत हो गया, कहानी सुन लिए, अब चलो आगे बढ़ते हैं। सर रोज कहानी क्यों सुनाते हैं, कहानी सुन सुन के हम लोग का कान पक जाता है, आप कहानी मत सुनाए, ऐसा भी कोई कोई सोचता है, मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कहानी बोलना अच्छा लगता है, आप लोग भी सुन लो 2 मिनट क्या होता है। सर क्या कराना क्या चाहते हो। सर कुछ नहीं, मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो चल रहा था उसी में मुझे कुछ बात, ऐसे मैं अगर आपको एक बार हाउस प्रॉपर्टी में कि कौन सा सेक्शंस बने, जिन लोगों का प्रीवियस लेक्चर मिस है एक बार कर लो सर, फिर जो भी डाउट है पूछ लो, हाउस प्रॉपर्टी खत्म होते होते। सेक्शन 22 आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्स चार्ज होने के बारे में क्या कहा गया है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 एनुअल वैल्यू ऑफ लेटर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, और कैसे ये एनएवी जीएवी कैसे कैलकुलेट होता है। एनुअल वैल्यू मतलब उसमें दो कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट इज जीएवी, है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें स्टेप्स आता है सर, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। फर्स्ट गो थ्रू सर, अच्छे से क्लास को देखो, अगर भूल चुके हो तो रिवाइज करो जीएबी कैलकुलेशंस, अगर
फ्रेशली पढ़ना है तो एक बार प्लीज जीएवी कैलकुलेशन देखो, मोस्ट प्रोबेबली सेकंड या थर्ड लेक्चर्स में हाउस प्रॉपर्टी का मैंने जीएवी के बारे में डिस्कशन करके रखा, मस्ट गो थ्रू सर, ठीक है। अच्छा, ये जीएवी के साथ साथ मैंने आपको एनएबी भी बताया, मतलब जीएबी से म्यूनिसिपल टैक्स को हटाओ तो आपको एनएबी मिलता है, ठीक है। पर इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, सेक्शन 23 सबसेक्शन 4, 23 सबसेक्शन 5, 24 मैंने इवन लास्ट दिन आपको 25 भी बताया, 25 ए में मैंने लास्ट दिन एक क्वेश्चंस कराया, ओल्ड प्रॉपर्टी में क्वेश्चंस कराना बाकी, ओल्ड प्रॉपर्टी में क्वेश्चंस कराना बाकी है 26 का जो हिसाब है, और 27 के बारे में मैंने बता दिया डीम्ड ओनरशिप, ठीक है। मतलब अगर मैं सेक्शन वाइज देख जितना मैं देख पा रहा हूँ सर, सेक्शन वाइज ऑलमोस्ट मैक्सिमम सेक्शन हम लोग कवर कर चुके हैं, कुछ सेक्शन इधर उधर में थोड़ा बचा कुचा है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं आपको अगला एक दो दिन में, आज के क्लास में, कल के क्लास में, टुमारो भी है, मैं बताऊंगा। लेकिन आज जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, दैट इज अ सेक्शन 24 का एक बहुत वाइटल पॉइंट। सर क्या है ये सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी में, थोड़ा सा वेट करो, अभी पहुंच जाएंगे, समझ में आ जाएगा। ऐसे आप लोगों ने प्रोफार्मा तो देख लिया सर सभी ने, है ना, हाउस प्रॉपर्टी का प्रोफार्मा, अरे याद है कि नहीं, हाउस प्रॉपर्टी के प्रोफार्मा में सेक्शन 24 क्या बात करता है सर, बोलो एक बार मुझे, सेक्शन 24 क्या बात करता है, कौन बताएगा? दो चीज करता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन करता है और एक वो इंटरेस्ट। वेरी गुड, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन करता है और एक इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट। वेरी गुड, एक स्टैंडर्ड डिडक्शंस के लिए काम करता है, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शंस, आपका जो भी एनएवी होगा उस पे 30% एनएवी, और आप जितना इंटरेस्ट भरते हो अपने प्रॉपर्टी के लिए उसमें आपको बेनिफिट मिलता है, याद है ना सर, यही बेनिफिट में तो कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक हिसाब किताब है। अब ये हिसाब जो है कुछ इस तरह का हिसाब है सर, एक प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होता है और एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होता है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और दूसरा एक होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, ठीक है। मैं आपको ये दोनों बात बताने जा रहा हूँ सर, ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का क्या करना है और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट का क्या करना है, मतलब एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ कि ये इंटरेस्ट के साथ क्या लेना देना, ठीक है। मैं एकदम शुरू से स्टार्ट करता हूँ, मतलब आपको मैं प्रोफार्मा दिखाता हूँ, और प्रोफार्मा के अंदर ऐसे आप लोग काफी क्वेश्चन कर चुके हो ऑलरेडी, आई नो दैट, लेकिन इंटरेस्ट का यूज ऑलरेडी मैं आपको थोड़ा बता चुका हूँ, लेकिन आज इंटरेस्ट के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स में बताने का मन हो गया, मन नहीं इसलिए हुआ क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक पर्टिकुलर यूज है, तो यूज आपको सिखाना। ऐसे अगर मैं आपको एक बार का प्रोफार्मा में लेके जाऊं, कहाँ गया प्रोफार्मा, क्योंकि प्रोफार्मा कॉपी में लिखा हुआ है, जब भी हमें कोई हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस के लिए क्वेश्चंस आता है, कंप्लीट क्वेश्चंस, उसमें हमें क्या करना पड़ता है सर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ, जिन लोगों ने पहले का क्लास किया उसे भी समझ में आएगा, और जिन लोगों ने पहले का क्लास नहीं किया मैं उतना गारंटी दे रहा हूँ उसे भी समझ में आएगा, थोड़ा दिक्कत होगा जैसे वो पुराना क्लास कर ले उसको भी समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। मतलब समझ में नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है, समझ में पूरा आने वाला है, मतलब जिन लोगों का प्रीवियस लेक्चर्स मिस है वो भी थोड़ा पेशेंस के साथ सुने उसे भी समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा वक्त, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी प्रोफार्मा आपको कॉपी में भी लिखा के रखा, ठीक है, कॉपी में मैंने थोड़ा शॉर्टकट वे में लिखाता हूँ इसलिए कॉपी को यूज करना, यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग कट वे में करता है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा देखें यहाँ पर, यहाँ पर क्या बताता है, सबसे पहले जीएबी कैलकुलेट करना पड़ता है जो हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का सबसे टिपिकल, सबसे समय लगने वाला और सबसे दिमाग खाने वाला डिस्कशन है, जीएबी कैलकुलेशन, है ना, इसी में मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और इसी में हाउस प्रॉपर्टी का खूबी भी है, खूबी मतलब स्पेशलिटी, ठीक है। तो जीएबी कैलकुलेट करने के बाद आपको स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री करके ये सब जीएबी हो जाता है, फिर आप वहां से क्या करते हो, म्यूनिसिपल टैक्स लेस करते हैं, ठीक है। मैं और जीएबी में नहीं बात करूंगा सर, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका मैंने, आप लोग बस एक बार रिवाइज कर लेना या गो थ्रू कर लेना अभी के लिए,
फिर जब फिर से करवाऊंगा फिर और एक कर लेना। जीएमबी से म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस किया जाता है, कौन टैक्स पे करता है? जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो टैक्स पे करता है ना सर, जो प्रॉपर्टी का ओनर होगा वही ना टैक्स पे करेगा। तो अगर प्रॉपर्टी का ओनर टैक्स पे करता है, ठीक है, पेड बाय द ओनर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब जैसे करेंटली कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है सर? ये 22-23 असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है ना, 21-22 है ना, मैंने सही बोला कि नहीं बोला? क्या मैं सही बोला? 21-22 से सही सही चल रहा है ना? इससे रिमूविंग इश्यूज, रिमूविंग इश्यूज क्या है? ये भी हो सकता है बारिश के कारण थोड़ा दिक्कत हुई, ठीक है। तो शुरुआत में कर रहा था आपसे कि एक प्रॉपर्टी का जीएबी कैलकुलेशन तो हो जाता है सर, जीएबी के बाद उसका म्यूनिसिपल टैक्स पे करना पड़ता है। नॉर्मली क्या होता है, प्रीवियस ईयर का म्यूनिसिपल टैक्स आप ऐसे प्रीवियस ईयर में जो पे करते हैं उसका हिसाब असेसमेंट ईयर में शो करते हैं। जैसे ही आपने जीएबी से टैक्स पे कर दिया, आपको जो न्यू कॉन्सेप्ट आता है उसको बोलते हैं एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब इसमें आपको डिडक्शन मिलता है एज पर सेक्शन 24, एक आपका 30% ऑफ द एनएवी जो स्टैंडर्ड है, ये गवर्नमेंट आपको खुशी करने के लिए दे दिया कि भाई जो भी जीएबी होगा उसके ऊपर 30% का एक डिडक्शन दे देना ताकि टैक्स पेयर्स हैप्पी हो जाए, टैक्स पेयर्स को हैप्पी करने के लिए, ठीक है, हैप्पी भाग जाएगी बोल के मूवी देखा था, ठीक है, वो अमृतसर से लाहौर भाग गया, हैप्पी भाग जाएगी है ना, बड़ा अच्छा था मूवी, कॉमेडी मूवी था। 30% ऑफ एनएवी टैक्स पेयर्स को हैप्पी करने के लिए दे दिया था। तो फिर इसमें 30% एनएवी तो जो भी आपका एनएवी होगा उसके ऊपर लगा देना, अगर आपका एनएवी 5000 का होता है इसमें 30% लगा के 1500 का माइनस कर देना, ठीक है, अगर आपका एनएवी 50000 का होता है तो इसमें 30% लगा के आप 15000 का एनएवी ले लेना। लेकिन किंतु परंतु सर, नेक्स्ट पॉइंट जो था वो है आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में मैंने ऑलरेडी आपको समझा के रखा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या होता है सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के तहत। ध्यान से सुनना, अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी यूज करते हो, दो तरह का प्रॉपर्टी होता है सर, एक लेट आउट और एक सेल प्रॉपर्टी। अब आप ही लोग मुझे बताओगे क्या लेट आउट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में क्या करना पड़ता है? कौन बताता है? लेट आउट प्रॉपर्टी में और एसओ में आते हैं तब लिमिट्स आता है इंटरेस्ट माइनस करने के, एक पहले वाला 1499 और उसके बाद वाला। अगर कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर हो जाता है तो हम लोग को 2 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलता है, अगर नहीं होता है तो 38,000 मिलता है। ये वाला थोड़ा सा ठीक ठाक लगा मुझे, मैं आपको समझाता हूँ सर, डोंट वरी। जिसका सही हुआ है भी सही, मतलब उसको भी ठीक है, जिसका सही नहीं हुआ है प्रॉपरली, जो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा सुभजीत का है, तो सही बोलना चाहते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली काफी सारा रूल एक साथ मार्च कर गया ना, इसीलिए कंफ्यूजन हुआ तेरे अंदर, कोई बात नहीं।
सारा बाकी क्लासेस एक बार धीरे धीरे सुनना ना, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, और आज भी मैं बता रहा हूँ इंटरेस्ट के बारे में तो क्लैरिटी हो जाएगा। पहला बात है कि 1499 के पहले का एक रूल्स है और 1499 के बाद का एक रूल्स है। और ये जो 1499 का पहले और बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली किसके लिए लागू होता है? ये एसओ मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड। ये जो रूल मैं बता रहा हूँ, ये जो 1499 के जो खेल है, ये जिस घर में हम रहते हैं उस घर का अगर मैं कोई लोन लेता हूँ, और अगर वो लोन 1499 के बिफोर या 1499 के आफ्टर देता हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करके मेरे को डिडक्शंस में बेनिफिट मिलता है। नॉर्मल रूल है कि 1499 के पहले का है, अगर सारा कंडीशन फुलफिल होता है तो मैक्सिमम 30,000, और अगर 1499 के बाद में है और सारा कंडीशन अगर फुलफिल होता है तो 5 लाख। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, सॉरी 5 लाख नहीं, सॉरी 2 लाख ना सर, सॉरी नॉट 5, मैक्सिमम बेनिफिट 2 लाख तक मुझे सेल्फ ऑक्युपाइड में मिल सकता है, या तो 30,000 या तो 2 लाख, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन, केस टू केस। बट अगर आपका प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब जिस प्रॉपर्टी को आपने भाड़े पे लगा दिया, क्या कर दिया सर, रेंट पे लगा दिया, मतलब आपका वो प्रॉपर्टी रेंट के लिए ही है, रेंटल प्रॉपर्टी है, और आपने प्रॉपर्टी का लोन लेने के टाइम पे भी ये रेंटल प्रॉपर्टी के नाम पे ही लोन लिया था कि मुझे प्रॉपर्टी बना के रेंट देना है। रेंटल प्रॉपर्टी मतलब रेंट देना आपका एक प्रोफेशन है, अब एक आपका रेगुलर इनकम कॉन्सेप्ट है। तो जो रेंटल हाउस प्रॉपर्टी रेंटल जो आप देना चाहते हो उसके लिए आपने लोन लिया था, और उस रेंटल प्रॉपर्टी के लिए आपने जितना इंटरेस्ट भरा वो तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट विदाउट एनी सेलिंग लिमिट, विदाउट एनी सेलिंग लिमिट आप डिडक्शन कर सकते हो। लेकिन जो सेल्फ ऑक्युपाइड है, जिस घर में आप खुद रहते हो, उस घर के केस में आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट अमाउंट माइनस नहीं कर सकते। बात को समझे सर, के बारे में ऑलरेडी आपके कॉपी में नोट्स लिखा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है। मैं आपको और एक बार प्रोविजंस बताता हूँ, आप ध्यान से एक बार सुने, ठीक है, फिर से एक बार मैं सुनाता हूँ, आप एक बार फिर से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 बार सुनना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 बार सुनना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुन ले, बार बार सुन ले, तो सुन लेने से क्या होगा, आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, और ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा प्रॉब्लम कभी कभी करता है, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में ये इंटरेस्ट को लेके जो भी गड़बड़ है थोड़ा सा नॉर्मल गड़बड़ है सर, ज़्यादा गड़बड़ का बात नहीं है। प्रोविजंस लॉ टैक्स क्या है, प्रोविजंस पे बना हुआ है सर, ठीक है, टैक्स इज ऑल अबाउट प्रोविजंस। अगर आपको प्रोविजंस क्लियरली पता है तो दिक्कत नहीं होगा। क्या बताता है सर, ऑलरेडी कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ क्योंकि आज मुझे इंटरेस्ट के बारे में ही बात करना, और इसमें इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा 2 फेदर जोड़ने वाला है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन्स बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशंस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल और कंस्ट्रक्शन कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शंस। इंटरेस्ट पेबल ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रिपे द ओरिजिनल लोन raised earlier for the opposite purpose is also admissible as deductions. Interest for pre-construction period, अब ये pre-construction मतलब आपने construction अभी तक start नहीं किया, उससे पहले अगर आपका कोई interest payment हो रहा है, ठीक है, मतलब loan चालू हो जाता है ना, तो loan चालू होने के बाद ही ना interest claim मतलब interest payment चालू हो जाता है, ठीक है, तो अगर construction start होने से पहले आपको कोई interest देना पड़ा, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। मतलब अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो एक्वायर बोलेंगे ना, फ्लैट तो आप खुद नहीं बनाते, बिल्डर बनाते, आप उनसे जाके परचेस कर लेते हो, लेकिन अगर आप घर बना रहे हो तो आप कंस्ट्रक्शन खुद बनाओ। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एज रिड्यूस्ड बाय एनी पार्ट थेरऑफ अलाउड एज डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट can be claimed as deductions over a period of 5 years in equal annual installments commencing from the year or acquisition or completion of construction. थोड़ा गड़बड़ हो गया आपको, ऐसा फीलिंग आया मेरे को, ठीक है, ये 5 साल का क्या खेल है,
मतलब एक्चुअली जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट का जो बेसिकली अमोर्टाइज करने का आपको मौका मिलेगा, आप अपने टैक्स के अकाउंट्स में आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, बट ये 5 साल पे। ये कैसे 5 साल, वही मुझे आपको सिखाना है सर, थोड़ा बैठ। इंटरेस्ट फॉर द व्हिच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज अकॉर्ड, इंटरेस्ट रेटेड विद द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी फुल्ली क्लेम्ड इन दैट ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, मतलब पोस्ट केस डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, अगर कोई सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है, या फिर कोई अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यूएशन अभी भी नील है, ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का भी वैल्यूएशन नील होता है, जिस घर में हम रहते हैं उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन नील माना जाता है, और कभी किसी कॉन्सेप्ट में अगर अनऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है तो उसका भी प्रॉपर्टी अगर नील है, ठीक है, तो उसका क्या हिसाब होता है। इन दिस केस द एसएससी विल बी अलाउड एज डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग 1/5 ऑफ द एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट ऑफ द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब इसका रूल क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब ये पूरा जो आपने पढ़ा इसका एक समरी आपके सामने, दिस इज फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड। शुभजीत तो 1499 के बारे में जो कि बात कर रहा था ना बाबू, देख तो सही बोल रहा था बट थोड़ा क्या गड़बड़ हो गया। देख लोन बोरोड बिफोर 1499 एंड लोन बोरोड ऑनर आफ्टर 1499। तो अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है और अगर तुमने 1499 के पहले लोन लिया था, और तुमने लोन क्यों लिया था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग लोन, या तो एक्वायर करना है मतलब फ्लैट लेना है, कंस्ट्रक्शन करना है मतलब खुद घर बनाना है, या फिर रिपेयर करना है, रिन्यू करना है या रिकंस्ट्रक्ट करना है, और आपने कैपिटल 1499 से पहले का लोन आपने लिया है, इस केस में एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल इन एग्रीगेट फॉर वन और टू सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, या तो एक या तो दो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 30,000 का डिडक्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, ये सरकार का बेनिफिट है आपके इनकम को कम करके दिखाने का, बट अगर 1499 की पुराना लोन है तो आपको 30,000 तक का बेनिफिट मिले। लेकिन सर यही 30,000 का बेनिफिट एक्सटेंड होकर 2 लाख हो सकता है, लेकिन उसके लिए लोन जो है वो 1499 के बाद होना चाहिए। 30,000 का बेनिफिट इंक्रीज होके 2 लाख हो जाएगा, बट उसके लिए आपका लोन 1499 के बाद का होना चाहिए। और साथ में और भी कुछ कॉन्सेप्ट है, 1499 के बाद सच एक्विजिशंस और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स, लोन लेने के 5 साल के अंदर घर बना लो या एक्विजिशंस कर लो फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरो। जिस पर्टिकुलर ईयर में लोन लेते हो, अगर 13-14 में लोन लेते हो तो 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, अगर 13-14 मतलब मानो कि 31st मार्च 2014 के समय में आप लोन ले रहे हो, तो जिस साल में आप लोन ले रहे हो, जिस साल में, तो अगर आप 31st मार्च 2014 में भी लोन लेते हो तो आपका लोन लिया हुआ था 13-14 में, इसके बाद आपका 5 साल कब चालू होता है, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, इसका मतलब 31st मार्च 2019 के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, आपको मैक्सिमम कितना बेनिफिट मिलेगा सर, ये 30,000 का जो लोन का बेनिफिट है, ये बेनिफिट एक्सटेंड करके 2 लाख तक का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल जाएगा, अगेन फॉर वन और टू सेल्फ ऑक्युपाइड। लेकिन हाँ, ये बेनिफिट लेने के लिए आपको सर्टिफिकेट मेंशन करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट मतलब, अरे भाई लोन का इंटरेस्ट भरोगे तो बैंक की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, लोन का इंटरेस्ट भरोगे तो बैंक की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। होम लोन का मैं आपको ये पहले भी मैंने क्लास में शो कर चुका हूँ कि होम लोन कैलकुलेटर में जाके जो इंटरेस्ट हम भरते हैं उस इंटरेस्ट का बेनिफिट कितना मिल रहा है, इसका हिसाब किताब आपको बैंक साइट से, जिस बैंक के थ्रू से आप लोन ले के जो रिपोर्ट सबमिट करता है आपको एनुअल बेसिस में, जैसे यहाँ पर मैंने एक हिसाब दिखाया था पहले, इसीलिए यहाँ सर दिख रहा है, 25 लाख का लोन है, 20 साल का टेनियर है, इंटरेस्ट रेट 8.10 करके आप टोटल 20 साल में 25 लाख का लोन के लिए 25 लाख का इंटरेस्ट भरते हो, टोटल 50 लाख भरते हो, लेकिन एनुअल बेसिस में इसका हिसाब कुछ ऐसा देखने में मिलता है। मानो आप ईयर वन में आपका 25 लाख का लोन है 25 लाख का, आप एनुअल ईएमआई भरते हो 2,52,000 का, इसमें आपका इंटरेस्ट होता है 2 लाख का, प्रिंसिपल होता है 52,000 का, तो जितना इंटरेस्ट आप भरोगे, अगर जैसे फर्स्ट ईयर है 2,590,000 का इंटरेस्ट भराना, इफ दिस इज फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी,
इफ दिस इज फॉर एसओ, एसओ मीन सेल्फ ऑक्युपाइड, तो आपको, और अगर ये 1499 के बाद का लोन है वो तो दिख ही रहा है, और अगर आपका ये लोन 5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो आपको 2 लाख तक मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन सर ये बेनिफिट को शो कैसे किया जाए वही तो मुझे आपको बताना है। और अगर मानो किसी का अभी कंस्ट्रक्शन चालू ही नहीं हुआ, तो उस केस में भी वो इंटरेस्ट भर रहा है, जिसको हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोलते हैं। तो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट को कैसे अप्लाई करना है, तो उसके इंटरेस्ट के लिए कैसे बेनिफिट लेना है, या फिर पोस्ट कंस्ट्रक्शन का है तो उसका बेनिफिट भी कैसे लेना है, तो वही मुझे आपको बताना है। तो बेसिकली जो भी होम लोन मेरा चलता है, चाहे वो लोन 2 पर्पस में चले, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट है जितना इंटरेस्ट भरूंगा, प्रॉपर्टी लेट आउट है तो जितना इंटरेस्ट भरना है उतने का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा जाता है, 30,000 या तो 2 लाख। कब 30,000 कब 2 लाख, ये क्लियर है सर? हेलो प्लीज टेल मी, क्या ये बात अभी क्लियर हुआ आप लोग? बताओ ना, क्लियर हुआ? शुभजीत के स्पेशलिस्ट शुभजीत और एक पॉइंट यहाँ पर है जो तू बोल रहा था कि सर अगर रिपेयर रिन्यूड या फिर रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए ले रहा है, और अगर 1499 के बाद में अगर कोई रिपेयर रिन्यू और रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए ले रहा है, और अगर 1499 के बाद ले रहा है, एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल ऑन एग्रीगेट फॉर 1 or 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 30,000। मतलब कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन छोड़ के अगर आप रिपेयर रिन्यू या रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए लोन लेते हो, और कब लेते हो, 1499 के बाद लेते हो, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट 30,000 का ही मिलेगा। सर अगर मैंने 25,000 का इंटरेस्ट भरा एनुअली, तो क्या मुझे 25,000 का बेनिफिट मिलेगा कि 30,000 का बेनिफिट मिलेगा? 25,000। थैंक यू सर, मैक्सिमम इज 30,000। अगर आपने बैंक को 1,50,000 का अगर आपने इंटरेस्ट भरा एनुअली, तो आपको बैंक 1.5 लाख का इंटरेस्ट माइनस करने देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ना कि 2 लाख? 1.5 लाख। अगर आपने 2,50,000 का इंटरेस्ट भरा एनुअली, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या आपको 2.5 लाख का इंटरेस्ट माइनस करने देगा? नहीं, 2 लाख। 2 लाख दे देगा सर। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो 2.5 लाख दे देगा, लेकिन अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है, और अगर ये 2 लाख का कंडीशन फुलफिल करता है, तो 2 लाख तक ही मैक्सिमम देगा। ऐसे तो सर ऐसा क्वेश्चन में 2-4 कराया पहले भी, मैं कल भी कराऊंगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा सर, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको प्रोविजंस बताया। देखो सर, इनकम टैक्स में कैलकुलेशंस में कुछ नहीं है, इनकम टैक्स या जीएसटी जैसे पेपर में कैलकुलेशंस में कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो वो लॉ के अंदर। अगर आपको इसी ने सब्जेक्ट का नाम टैक्स लॉज किया जाता है, टैक्स लॉज, ठीक है। अगर आपको लॉ पता है, रूल्स पता है, तभी जाके आपका आंसर भी सही निकले, अदरवाइज नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करो तुम मेरे साथ साथ पढ़ो। मिस्टर मानस, इसका 2 हाउस प्रॉपर्टी है, 1 एट बॉम्बे वेयर इन हिज फैमिली रिसाइड्स, और 1 अदर इन दिल्ली वेयर व्हिच इज अनऑक्युपाइड। एक प्रॉपर्टी बॉम्बे में है, दूसरा प्रॉपर्टी दिल्ली में है। बॉम्बे में फैमिली रहते हैं, दिल्ली अनऑक्युपाइड है, कोई नहीं रहता। ही लिव्स इन चंडीगढ़ फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट पर्पस, वो चंडीगढ़ में रहता है रेंटेड हाउस। फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे, मतलब बॉम्बे का प्रॉपर्टी को लेने के लिए, मतलब फ्लैट बेसिकली, है ना, एक्विजिशन किसका होता है, फ्लैट का या बना हुआ बिल्डिंग का? आपने नहीं बनाया, बिल्डर ने बनाया, आपने जगह खरीदी। बॉम्बे का प्रॉपर्टी एक्विजिशन करने के लिए ही हैज टेकन अ लोन ऑफ 30 लाख एट द रेट 10% पर एनम ऑन 1/4/2021। ही हैज नॉट रिपेड एनी अमाउंट सो फार। In respect of house property at Delhi, he has taken a loan of ₹5,11,000 per annum on 1st of October 2021 towards repair. Compute the deduction which should be available to him under Section 24, Subsection B for the assessment year 23-24 in respect of interest payable on such loan. कितना income में वो benefit ले सकता है इस particular transaction से as per Section 24, Subsection B? यहाँ पर लेट आउट प्रॉपर्टी है,
यहाँ पर दो प्रॉपर्टी है सर, क्या कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है दिल्ली और बॉम्बे का प्रॉपर्टी में, कोई भी प्रॉपर्टी लेट आउट दिख रहा है आप लोग? प्लीज टेल मी, सर मिस्टर मानस कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे एंड दिल्ली। सर बॉम्बे में फैमिली रहता है, रेजिडेंशियल तो है ही, दिल्ली अनऑक्युपाइड है उसका है, बट भाड़े पे नहीं लगाया, मतलब वहां से इनकम नहीं करता, तो अगर इनकम नहीं करता तो लेट आउट तो नहीं हुआ, तो उसका वैल्यूएशन क्या, जिस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे ही नहीं दिए क्या उसका वैल्यूएशन होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? Since no benefit is derived by him from such properties and he cannot occupy such properties due to reason of his employment at Chandigarh, जहाँ पर वो रेंट में रहता है। अब सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के तहत वो कितना बेनिफिट ले सकता है, ये इंटरेस्ट जो वो भर रहा है, ये दोनों प्रॉपर्टीज, ये दोनों प्रॉपर्टीज दिल्ली का प्रॉपर्टी और बॉम्बे के प्रॉपर्टी से। सर दिल्ली का प्रॉपर्टी 30 लाख का लोन है, सॉरी बॉम्बे का प्रॉपर्टी 30 लाख का लोन है, 10% इंटरेस्ट है, एनुअली 3 लाख भरता है, क्या उसको 3 लाख का बेनिफिट मिलेगा? हेलो, मान के चलते हैं, चलो उसका एनएवी जो है वो 5 लाख का है, 5 लाख नहीं, एक काम करते हैं 3 लाख का, तो दूसरा कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है सब मिला जुला के उसका 3 लाख का मिल जाएगा। तो अगर 3 लाख का उसका ऑलरेडी जीएवी या एनएवी बना हुआ है तो 2 लाख यहाँ पर अगर बॉम्बे की प्रॉपर्टी से उसका जो 3 लाख का खर्चा हो रहा है, पर वो 3 लाख का खर्चा नहीं दिखा सकते, वो 2 लाख तक ही मैक्सिमम दिखा सकते, 3 लाख में से 2 लाख माइनस हो जाएगा एज पर सेक्शन 24 सबसेक्शन। तो दिल्ली का जो प्रॉपर्टी है इसमें वो रह नहीं रहा है लेकिन लेट आउट भी नहीं है, अगर ये दिल्ली का प्रॉपर्टी लेट आउट में दे देता तो इसका वैल्यूएशन क्रिएट होता, जिस चीज़ से इनकम होता है ना, जो चीज़ से इकोनॉमिकल वैल्यू आता है उसका वैल्यूएशन किया जाता है, ये बात याद रखना हमेशा। हर एक चीज जो चलता है जहाँ से इकोनॉमिक वैल्यू जेनरेट होता है उसका वैल्यूएशन, अगर मानो कि आपका एक छोटा सा ही शॉप है, ठीक है, किसी रोड साइड में, उस दुकान डेली कितना अर्न करता है या मंथली कितना अर्निंग करता है या एनुअल कितना अर्निंग करता है, उससे उस बिजनेस का वैल्यूएशन इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। एक घर कितना रेंट क्रिएट करता है एनुअली, उससे उस घर का वैल्यूएशन क्रिएट किया जा सकता है, पता है आपको? हाँ, एक घर, जैसे मानो एक सिंपल बात करते हैं, अगर मानो एक 2 BHK घर, एक 2 BHK हाउस प्रॉपर्टी कोलकाता में एक मिडिल क्लास एरिया में कितना भाड़ा बेयर कर सकता है, कितना रेंट मतलब क्रिएट कर सकता है? एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये हाउस प्रॉपर्टी के साथ इसका लेना देना नहीं है, एक सिंपल सा सर, 2 BHK हाउस मिडिल क्लास एरिया लाइक केशवपुर बागवाड़ी लेक टाउन, 16-17 हजार, हाँ सर 10 से 12 हजार, 2 से 15 हजार, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, मिडिल एंड हायर मिडिल के बीच में इतना ही हो, शॉर्ट लेग न्यूटन में थोड़ा हाई जाएगा, मैं अगर इसको 10 हजार मान के चलूँ, इफ आई जस्ट एज्यूम की एक 2 BHK का घर का भाड़ा 10 हजार, हाई होगा 12 भी हो सकता है, डिपेंड करता है फैसिलिटी, एक फाका घर मान के चलो विदाउट एनी फर्नीचर वगैरह 10,000, सही माना रहे 10,000, हेलो 700 स्क्वायर फिट, अरे आप लोग ज्यादा जानते हो मेरे से, बताओ 700 स्क्वायर फीट घर का भाड़ा 10,000 माना मैंने, क्या मैंने सही सही माना? अरे माना कुछ तो बोलो, नहीं मिलोगे आप, ठीक है सर, 10,000 करके 12 महीने में इस घर का कितना अर्निंग हो जाता है, अर्निंग ये क्रिएट करता है 1,20,000 सर, 1,20,000 अगर इस घर का भाड़ा है एनुअली, अगर एक घर 20 to 25 years के लिए लोन पे चलता है, आप हिसाब करके लगाओ तो बैंक कितना लोन दे सकता है, मतलब बैंक कैसे वैल्यूएशन करता है, 1,20,000 घर का भाड़ा आ जाता है एनुअली,
ट्वेंटी ईयर्स के लिए 1,20,000 करके कितना बड़ा बन जाएगा बोलो। सर आप लोग को मेरा आवाज आ रहा है, कनेक्टेड हो आप लोग? यस सर, 24 लाख। इसका मतलब बड़ा सिंपल हो गया ना, इस घर का वैल्यूएशन 24 लाख 25 लाख के आसपास ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। उसे डेप्रिसिएशन मतलब एक घर की भाड़ा से आप घर का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, इस घर का दाम क्या हो सकता है। अगर ये 20 साल का घर होता कितना लाइफ बचा हुआ है घर का, नॉर्मली 30 ईयर्स प्रैक्टिस में होता है, 30 साल तक एक घर का एवरेज लाइफ मानते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से, 30 ईयर्स होता तो इस घर का वैल्यूएशन हो जाता 36 लाख। अब 30 ईयर्स ही एवरेज माना जाता है, अगर घर का भाड़ा 10,000 की जगह 15,000 होता तो एरिया के हिसाब से आपका घर का भाड़ा एनुअली हो जाता 15 लाख इंटू 15,000 इंटू 12 मतलब 15,000 इंटू 12 मंथ्स का कितना 1,50,000 और अदर 30 1,80,000 हाँ सर 1,80,000 इंटू 30 मतलब अगर इसका मतलब अगर 15,000 किसी घर का भाड़ा है ना तो उसका घर का वैल्यूएशन 36 के जगह ऑलमोस्ट उस एरिया में हिसाब से 50 लाख के आसपास का उस घर का वैल्यूएशन 30 साल के हिसाब से और एवरेज 30 साल मान लो एक प्रॉपर्टी बनने के बाद 30 से 35 साल मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम। इसलिए बैंक लोन भी आप कभी भी देखना 30 ईयर से ज्यादा आपको बैंक लोन नहीं मिलता। ये देखो यहाँ पर देखो ये HDFC के साइड में मैं हूँ, आप यहाँ पर देखो HDFC बैंक के साइड में एक प्रॉपर्टी का मैक्सिमम कितना 10 ईयर हो सकता है 30 ईयर्स। कुछ समझ में आ रहा है सर? मतलब घर के भाड़ा से आपको समझ में आ जाएगा किस घर का क्या दाम हो सकता है। एक गाड़ी का भाड़ा से गाड़ी का दाम भी लगा सकते हैं अंदर, इट्स पॉसिबल। ये सब देखने का तरीका है। ठीक है, मैं भी उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, और ऐसे भी ये जो डिस्कशन था ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है जिसका हाउस प्रॉपर्टी के अंदर डायरेक्ट डिस्कशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहता, जो भी आपको सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में आप लोन देते हो यहाँ पर 2 लाख, अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली 5 लाख का घर है, 11% का आपने इंटरेस्ट दिया 55,000 का, बट इसका रेस्ट्रिक्शन लगाया ना सर 30,000 का रिपेयर वगैरह के लिए, आप मैक्सिमम 30,000 का ही बेनिफिट ले सकते हो, तो 30,000 माइनस होता है, तो टोटल इंटरेस्ट आपका 2,30,000 हो गया। लेकिन ये भी आपको नहीं मिलेगा 2 लाख प्लस 30,000, मतलब किसी पर्टिकुलर ईयर में इस पर्टिकुलर मानस ने, ये जो मानस भैया ने बॉम्बे का प्रॉपर्टी दिल्ली का प्रॉपर्टी सब मिला के जितना लोन लिया कुल मिला के 2,30,000 हो गया, लेकिन उसको क्या 2,30,000 का बेनिफिट मिलेगा? हेलो सबसेक्शन 24 बी उसको मैक्सिमम 2 लाख का ही बेनिफिट देता है, और 2 लाख का बेनिफिट पाने के लिए उसको सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, मतलब अटैच करना पड़ेगा जो बैंक से उसको मिलेगा। For the purpose of claiming deductions of 2 lakh as per section B subsection 1 in the table given above, the SSC should be, SSC मतलब जिसका income tax calculate किया जा रहा है, SSC should be furnished a certificate from the person to whom any interest is payable on the capital borrowed, जिससे भी वो capital borrow किया है, जिस institution से या जिस इंसान से, specifying the amount of interest payable by this SSC for the purpose of such acquisitions or construction of the property or conversion of the whole or any part of the capital borrowed which remains to be repaid or as a new loan. बोलो सर, समझ में आ रहा है? ये तो था सेल्फ ऑक्युपाइड का एक छोटा सा किस्सा, लेकिन अभी भी कुछ बातें बाकी हैं। क्या बातें बोलो तुम? ये जो प्री कैपिटल, प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करवाना है सर। यहाँ पर था ना इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन, इसको कैसे एक इंडिविजुअल हिसाब लगाना है, तो उसका बेनिफिट का कैलकुलेशन कैसे लिया जाता है,
कॉपी रेडी कर, पेन एंड कॉपी रेडी कर लो और लिखना स्टार्ट करो। सर आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा है कि कोई आवाज नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है, ऐसा है क्या? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इंटरेस्ट ऑन कुछ कैलकुलेशन है जो मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हाउस प्रॉपर्टी में बड़ा ही काम आता है कि डायरेक्टली भी इंटरेस्ट का सवाल एग्जाम में कर सकता है, या फिर आपको किसी बड़ा क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग से वर्किंग करके करना पड़ सकता है। मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगा कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन रहने से क्या करना है। किसी का आवाज नहीं है क्या? है या नहीं है? तो दिख रहे हो, किसी का आवाज क्यों नहीं है? सर आप लोग कनेक्टेड हो, थोड़ा आवाज दे दो। हां सर। यस सर। यस सर। ठीक है सर। एक तरफ लेफ्ट साइड में लिखना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, इधर लिखिएगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन। जो मैंने अभी आपको पढ़ा रहा था उसी को मैं थोड़ा सिंपलीफाई करके बताने की कोशिश। इसमें क्या होता है सर? अमोर्टाइज किया जाता है, अमोर्टाइज इन फाइव इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। स्टार्टिंग with the year in which construction is completed and next goal पोस्ट कंस्ट्रक्शन पे लिखे पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इज स्टार्ट फ्रॉम द ईयर व्हिच construction is complete। अब एक काम करें सर, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा और मगअप करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का कैसे हिसाब देखा जाता है? पोस्ट कॉन आप बोलो बाद ही कैसे नीचे दिखते तो ना। हां सर ठीक है, ठीक है सर। कुछ एग्जांपल सॉल्व करो और ये जो लिखा हमने इसको भी समझो, ठीक है? एग्जांपल को सॉल्व करते हुए एक तो पहला एक तो एग्जांपल में थोड़ा हेल्प करूंगा, उसके बाद बाकी आप लोग खुद करके मुझे फटाफट जवाब दो, ठीक है? मतलब बेसिकली पोजीशंस आई थिंक सबका हो गया, मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ सर।
फर्स्ट थ्री 2017 क्या किया सर फर्स्ट में 2017 को आपने सर डीओबी किया क्या किया डीओबी डीओबी क्या होता है डेट ऑफ बॉर्निंग ठीक है This is the date of borrowing, ठीक है? First May 2017 को आपने borrow किया कितना? 10 लाख हुआ क्या? और एक आया, और एक आया, another thing, ठीक है सर? First May 2017 ने आपने एक 10 लाख का borrow किया, कहाँ से किया? 12% इंटरेस्ट से किया कहाँ से किया सर HDFC से किया हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन HDFC होम लोन ठीक है यहाँ पर सुला भी था जैसे बहुत बड़ा प्लेयर है होम लोन का ठीक है होम लोन मार्केट में द वेरी बिग प्लेयर HDFC बैंक का ही एक पार्ट बोल सकते हो अभी मार्च भी हो गया रिसेंटली और स्टॉक मार्केट में भी ये दोनों मार्च होने के बाद इसके HDFC के शेयर में भी बड़ा ग्रोथ आया सर HDFC का शेयर ये HDFC शेयर HDFC का शेयर में भी ग्रोथ आया देख सकते हैं आप आज भी अच्छा ग्रोथ दिया और कुछ दिन पहले भी कितना दिन पुराना बात है यहाँ पर होगा कुछ जुलाई अगस्त में 14,100 कुछ चल रहा था काफ़ी डेवलपमेंट दिया था क्योंकि HDFC बैंक के साथ इसका मार्ज हुआ ठीक है ठीक है दैट्स अ डिफरेंट पार्ट बट ये सब न्यूज के साथ आप लोग खबर रखना जरूरी है जानना कि कौन किसको ले रहा है कौन किसको बेच रहा है जैसे रिसेंटली एक बड़ा डील हुआ पता है आपको अंबुजा सीमेंट को खरीद लिया किसी ने अंबुजा NCC को कौन बताएगा मुझे अंबुजा सीमेंट को खरीद लिया सर किसने अदानी ने पता है आप लोग अदानी ने अंबुजा सीमेंट को बाय कर लिया और NCC सीमेंट को बाय कर लिया उसके बाद अंबुजा सीमेंट के शेयर में भी काफी ग्रोथ नजर आया ये सब खबर रखिएगा ठीक है चलो ये सब बात बाद में हो जाएगा नो इशू स्टॉक मार्केट क्लास में मैं डिटेल्स में बताने का मुझे मौका मिलता है बट फिलहाल हमें कंस्ट्रक्शन पीरियड के साथ चलना है तो HDFC से हमने लोन ले लिया बढ़िया है डेट ऑफ बोरोइंग 1 मई 2017 डेट ऑफ इंटरेस्ट 12% Date of completion of construction DOCC 24th of January सर मुझे बता सकते हो ये कौन से प्रीवियस ईयर का पार्ट है 24th of January 2022 this comes under which previous year 21-22 या 2021 ये 22-23 बोलो किस प्रीवियस ईयर के अंदर आता है ये पर्टिकुलर ईयर कब स्टार्ट हुआ था ये 24th ऑफ जनवरी 2022 ये डेट जो है ये किस ईयर के अंदर आता 21-22 स्टार्ट कब हुआ था 1 अप्रैल 2021 को खत्म कब होगा 31 मार्च 2022 ये क्या हो गया डेट ऑफ कंप्लीशन का ईयर क्या हो गया 21-22 आपको क्या कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द अमाउंट इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन In previous year, this is the question. Previous year 21-22 में, previous year 21-22 में that is assessment year क्या हो जाएगा? 22
21-22 में इंटरेस्ट कितना अमाउंट डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो, और ये एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कैसे करना है, इस हिसाब से रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन अमोर्टाइजिंग 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग विद द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट 4 ईयर एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इज स्टार्ट फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड. तो अब इसको कैसे करो, सिमिलर तरीका अपनाएं, सुविधा रहेगा. सर इस क्वेश्चन में प्री पीरियड क्या मानेंगे और पोस्ट पीरियड को क्या मानेंगे? सर प्रीवियस ईयर का जो डेट का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत जरूरी है यहाँ. क्या मुझे आप बता सकते हो कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किस ईयर में हो रहा है? क्वेश्चन में गिवन है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किस ईयर में हो रहा है? 22 में. अगर मैं इसको ईयर के हिसाब से पूछूं तो 21-22. तो फिर आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब होता है, उसका डेट क्या होगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन से ईयर का स्टार्ट, मतलब स्टार्ट हो रहा है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसका स्टार्टिंग डेट? 22-23. मैं आपको डेट पूछ रहा हूं, मतलब पोस्ट कंस्ट्रक्शन का जो ईयर है वो स्टार्ट कब होता है? 1st April 2022. मार्च 22 या 21? 22 कंप्लीट हो रहा है 24th of January 2022 को. हां सर, वो एक चार 22 टू 31st मार्च 23. आपका बिल्डिंग कब कंप्लीट होना है? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 24th of January 2022. इसका मतलब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि ये जो कंप्लीशन ईयर है आपका, ये स्टार्ट कब हुआ? 1/21 अभी मैंने पूछा, विश्वजीत ने मेरे को तो वही बताया, सही बताया, ये 21-22 का ईयर कब है खेल, है ना विश्वजीत ने मुझे अभी मुझे बताया. सर ये तो 21-22 है. यस सर. तो ये 21-22 शुरू कब हुआ था? 1/21 को. यस सर. और ये एंड कब होगा? 31 मार्च 2022. अगर आप पोस्ट का स्टार्ट और एंड ढूंढ लेते हो तो आपको प्री का भी स्टार्ट और एंड मिल जाएगा. ऐसे प्री का स्टार्टिंग तो पता है, प्री का स्टार्ट क्या है बोलो तो, जब आप लोन ले रहे हो 1st of May 2017, दिस इज योर कंप्लीशन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, है ना. आपका स्टार्ट डेट क्या है? 1st of May 2017, है ना, 1st of May 2017. लेकिन ना क्वेश्चन इज दैट सर प्री का एंड क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? सर 31-3-2018. अठारह क्यों? आपका बिल्डिंग जिस ईयर कंप्लीट होगा उसलिए ठीक लास्ट डेट जो वही आपका प्री का एंड डेट होगा. तो अगर 1st April आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग ईयर है तो फिर आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म कब होता है? एक दिन पहले 31 मार्च 2021 को. तो आपका टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टाइम कितना रहेगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में 4 ईयर
ठीक है, 17 से लेके 21 साल तक आपका पूरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड चल, है ना। अब इसमें आप मुझे ये बताइए कि इसमें जितना सारा प्रीवियस ईयर में आपको मंथ का कैलकुलेशन करना है, डिडक्शन एलिजिबिलिटी लेना है ना, उसके लिए आपको मंथ का कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा। तो पहला बात कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने यहाँ पर 1 मई 2017 ये कौन सा प्रीवियस ईयर है, 17-18 के बाद 18-19, 19-20, 20-21, 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
क्वेश्चन है मेरा, मैं उतना ही लिखूंगा। 17, 18, 19, 20, 22। आप मुझे बताओ कि 17-18 में आपका इंटरेस्ट कितना दिन का लगा है? सर 10 लाख अमाउंट 18% रेट में कितना दिन का? 11 महीने का है ना। अच्छा सॉरी, एक काम करते हैं, मंथ पहले लिख लेता हूँ। दिस इज 11 months, दिस इज 12 months, दिस ऑल्सो 12 months, दिस ऑल्सो 12 months। अब हिसाब लगा लो सर टोटल करके, कितना मंथ का, कितना मंथ का इंटरेस्ट लगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन में? 3 12 है और 1 11 है, 36 + 11 कितना? 47। अब प्री कंस्ट्रक्शन में आपका कितने का लोन था? लोन कितने का है? 10 लाख। अरे 10 लाख इंटू 18% इंटू 47 हो जाएगा। 47 × 12। एनुअल इंटरेस्ट है ना? एनुअल इंटरेस्ट है। 47 × 12 कितना होगा? सर 18% कैसे? सॉरी 12%, सॉरी 12% था ना, मैंने लिखा क्या था? 12% कैलकुलेट करो, 10 लाख इंटू 12% इंटू 47 × 12। सर 4,70,000 आ रहा है। इधर तो कुछ भी अनर से मैं बात करता हूँ, हम लोगों का सही आया, जो भी आया सही आया आ जाएगा सर, 4,70,000 आएगा। कंप्यूटर वाला कैलकुलेटर मेरे साथ धोखा करता है, मैं बंद कर देता हूँ। आप लोग करके देखो सबका आया 4,70,000। हाँ सर, मैं इस पर मेरे साथ क्या स्टडी मैं करता हूँ, कुछ ना कुछ बढ़ रही है। तो ठीक आया, गड़बड़ किया था मैंने ही फिर। ठीक है सर, अब आपको सवाल है सर कि ये 4,70,000 आया, इस 4,70,000 का करना क्या है? यही बात यहाँ पर लिखा हुआ था, ये जो प्रोविजंस में लिखा हुआ था ना, amortize in 5 equal annual installments starting with the year in which construction is completed and next 4 year। अगर आप मटेरियल के अंदर देखोगे ठीक है, तो वहां पर भी क्या लिखा था, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन व्हिच प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज रिड्यूस्ड बाय एनी पार्ट देयरऑफ अलाउड एज डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years in equal annual installments commencing from the year of acquisition or completion of construction। देखो language clear हुआ अभी? ये है rules, rules बता दिया। अब आपका क्या हुआ जनाबे अली,
आसमान से टपके और खजूर पे लटके, है ना, क्या करना है इसको? लॉ का भाषा का प्रॉब्लम नहीं है कि लॉ ऐसे दिमाग फिरा के बात करता है, आधा से ज्यादा बाहर निकल जाता है दिमाग से, सीधा सीधा बोल देता कि भाई 5 साल में अमोर्टाइज कर देना। अच्छा क्वेश्चन इधर सर, अमोर्टाइजेशन का मतलब, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है जब कोई खर्चा आप धीरे धीरे राइट ऑफ करते हो उसका अमोर्टाइजेशन कहते हैं। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये 4,70,000 का इंटरेस्ट का खर्चा एट ए टाइम लेने नहीं देगा, आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करने का मौका देगा। कब से कब तक, कब से कब तक, डिवाइडेड बाई 5 कब, कितना होता है 94,000। ये 94,000 आप क्या कर सकते हो, राइट ऑफ कर सकते हो। राइट ऑफ मतलब धीरे धीरे डेबिट कर सकते हो, मतलब माइनस कर सकते हो। आपका खर्चा है बेनिफिट देना, मतलब आपका इनकम कम हो जाए, सिंपल बात है। इनकम कम होगा तो इनकम टैक्स कम होगा, टैक्स कम होगा तो मजा लेना, है ना, पैसा कम देना पड़े हर चीज में खुशी मिलता है ना, इसीलिए तो हम लोग जहाँ डिस्काउंट मिले भीड़ लगा देते हैं। अगर बस बोल दिया डिस्काउंट, ये पूछते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है तो ओरिजिनल प्राइस क्या है, डिस्काउंट है बस, खुश। पब्लिक ऐसे ही है सर, दुकानदार दाम बढ़ा के डिस्काउंट लगाता है ज्यादातर केस में, लेकिन कस्टमर डिस्काउंट सुन के ही खुश होता है, डिस्काउंट मिला, योर डिस्काउंट। तो 94,000 अब गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, इसको आप राइट ऑफ करो, लेकिन नॉट एट ए टाइम। इसको राइट ऑफ करने का तरीका क्या है कि आप जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, मतलब 21-22, ठीक है, 21-22 में आप 94,000 राइट ऑफ कर सकते हो, फिर 22-23 में आप 94,000 राइट ऑफ कर देना, फिर 23-24 में आप 94,000 राइट ऑफ कर देना, 24-25 में आप 94,000 राइट ऑफ कर देना, फिर 25-26 में आप 94,000 राइट ऑफ। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद और 4 साल तक आप अपना ये पैसा को धीरे धीरे राइट ऑफ कर दें। बोलो सर, यहाँ तक क्लियर है? अब रही बात सर पोस्ट कंस्ट्रक्शन, अभी भी आपके मन में क्वेश्चन बचा हुआ है, सर पोस्ट कंस्ट्रक्शन का हिसाब क्या होगा? सर 1/21 से 1/22 का जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ इसका इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? एक साल का 10 लाख इंटू 12% इंटू जितना होता है, पूरा साल का लग जाएगा ना, कितना होगा सर 1,20,000। तो अगर आपको पूछा जाए कि 21-22 में टोटल कितना इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हो, तो आपका क्या स्टेटमेंट बनेगा? उसका क्या हिसाब बनेगा? इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट 14। 2,14,000 स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पर प्रीवियस ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है, हमें किसी एक पर्टिकुलर ईयर का हिसाब करना पड़ता है ना, प्रीवियस ईयर का हिसाब असेसमेंट ईयर में होता है, इसीलिए हम क्या बताते हैं आपको, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स पढ़ोगे एक बार, वहाँ पर क्या बताया जाता है, प्रीवियस ईयर में कमा लो, असेसमेंट ईयर में गवा लो, ठीक है। स्टेटमेंट जब करेंगे तो यहाँ पर दो तरह का घर हो सकता है, एक लेटर ऑफ प्रॉपर्टी और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। करेंटली जो हिसाब किताब है ये सारा सेल्फ ऑक्यूपाइड की लेटर ऑफ के लिए ही है सर, ठीक है। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि कुछ एनएबी आया हो, ठीक है, जो भी आया होगा होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर तो 24 का बात करें ना, तो यहाँ से स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी आपका एनएबी होगा इसके ऊपर 30% लगा देना। सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो एनएबी नील होता है,
इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इसका हिसाब लगा रहे हैं सर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड का इसमें दो इंटरेस्ट आ गया सर, एक प्री पीरियड का है और एक पोस्ट पीरियड का है। तो प्री का इंटरेस्ट आपका आ जाता है 120,000 का, नहीं सॉरी प्री का कितना 21-22 का 94,000 का, और पोस्ट का आ जाता है आपका 120,000, दोनों मिला के 2,40,000। कितना आपका लेट आउट, अच्छा पूरा मिलेगा कि मैक्सिमम 2,00,000 मिलेगा? पूरा मिलेगा क्योंकि लेट आउट है। वेरी गुड सर, ऐसा भावना में मत भाग बह जाना कि 2,14,000 2,00,000 से ज्यादा हो गया, 2,00,000 तो 2,00,000 दो, अरे बाबा लेट आउट है, लेट आउट में कोई लिमिट, लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, याद रखना। Okay, there is no ceiling limit for let out property. Okay, ceiling limit कहाँ पर है? Ceiling limit self occupied. अच्छा क्या हमारे यहाँ पर कुछ information बताया था self occupied के बारे में? ऐसे तो loan लिया गया 1499 के बाद, ठीक है? Construction भी complete हो गया ना 5 साल के अंदर? अरे सर अगर construction complete होने में अगर 7 साल या 8 साल लगता तो ये applicable होगा या नहीं? नहीं होगा, लोन लेने के अगर 7-8 साल बाद आप कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हो तो आपका सेल्फ ऑक्युपाइड का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ बताओ ना, लोन लेने के 5 साल के अंदर घर बन गया? यस सर। तो क्या इसको मैक्सिमम 2,00,000 का बेनिफिट मिल सकता है? क्या इस पर्सन को मैक्सिमम सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए 2,00,000 का बेनिफिट मिल सकता है? मतलब ऐसे तो यहाँ पर सेल्फ ऑक्युपाइड के बारे में कुछ पूछा नहीं है, बट अगर हम लोग एज्यूम कर लें, ठीक है जस्ट एजम्पशन करके चल रहे हैं, तो अगर इसका इंटरेस्ट है सेल्फ ऑक्युपाइड का तो वी एज्यूम दैट मैक्सिमम बेनिफिट, लेकिन यहाँ पर सेल्फ ऑक्युपाइड के बारे में कुछ नहीं था, जो भी था लेट आउट का था और लेट आउट का इंटरेस्ट इस तरह से वो कैलकुलेट कर सकते और इसको माइनस करके उसका हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकल जाएगा, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। बट आज का डिस्कशन एकदम स्पेसिफिकली इंटरेस्ट का है, नेक्स्ट दिन जब हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर इसको डाल देंगे ना तो आप समझ जाओगे कि आखिर में हुआ क्या। बट ठीक है कोई बात नहीं, फिलहाल इतना ही बहुत काफ़ी है कि ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का होता क्या। तो रूल याद रखिए सर, यहाँ पर रूल याद रखिए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट अमोर्टाइज इन 5 equal annual इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग विद द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट 4 ईयर, एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इज स्टार्ट फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, अनदर क्वेश्चन, चलो मेरे साथ साथ चलना, हो सके तो मेरे आगे बढ़ जाना। थोड़ा मैं जल्दी लिखूंगा सर, डेट ऑफ बोरोइंग, सर डेट ऑफ बोरोइंग 15th of July 2016, ठीक है। लोन ले लो सर, अगेन मैं ज्यादा अमाउंट को नहीं घुमाऊंगा, 10,00,000 का ही लोन दे, जीरो का कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे से, तब से मैं जीरो को लेके चिंता में रहता हूं, मेरा ना ये क्वांटिटेटिव जीरो वगैरह का हिसाब किताब बहुत कच्चा हूं। 10,00,000 एट द रेट ऑफ 12% एट द रेट ऑफ, कोई बात नहीं, एट द रेट ऑफ 12%। अगेन कहाँ से लोन लेना है, चलो कोई दूसरा जगह से ले लेते, एक बैंक है एक्सिस होम लोन या SBI होम लोन, POCC द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 31st मार्च 2022,
calculate the amount of interest eligible for deduction previous year. एग्जाम में आपको प्रीवियस ईयर 21-22 की जगह 22-23 नजर आएगा, असेसमेंट ईयर की जगह 23-24 नजर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अकॉर्डिंग टू ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो पाएगा। हेलो बोलो सर, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, बताइए। प्रियाक्षी, अश्विनी, ज्योति, संतोष, ज्योति, पंकज, सबको समझ में आ रहा है? सोमन निता, हेलो विश्वजीत, समझ में आ रहा है इनकी? यस सर, यस सर। ज्योति, नील, सबको पूछ रहा हूँ सर, ये क्वेश्चन का मुझे जवाब दो कि उसका कितना इंटरेस्ट वो प्रीवियस ईयर 21-22 में माइनस करने का मतलब परमिशन मिलता है। अच्छा, इंटरेस्ट मतलब अगर माइनस करने का मौका मिलता है, ये टैक्स पेयर के लिए अच्छा है खराब, मतलब बुरा है? दिस इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज फॉर टैक्स पेयर? हाँ सर, ये जो हम लोग इंटरेस्ट माइनस करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ये एक टैक्स पेयर के लिए खुशी की बात है कि दुख की बात है? खुशी की बात है, खुशी की बात, यस, ठीक है। ताकि इंटरेस्ट का हिसाब माइनस होता है और हमारा टैक्स अमाउंट में कमती आता है, ठीक है। तो घर का लोन लेने में कोई बुराई नहीं है, टैक्स में हेल्प हो जाता है। बोलते सर हम तो टैक्स ही नहीं भरते, तब क्या रिसेंटली इंडिया में इनकम टैक्स दर, हाँ बोलो सर, लेट आउट का 2,09,000 है क्या? 2,09,000, 2,09,000 कितना पड़ेगा? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हेलो सर, बोलिए लेट आउट है सर, टोटल हो गए 2,31,000। 2,31,000, 31 तक करना पड़ेगा, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कंफ्यूज हो गया हूँ सर। अच्छा तो क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं फटाफट, एक प्री पीरियड बना लेते हैं, एक पोस्ट पीरियड बना लेते हैं। सर प्री में स्टार्ट करते हैं, जब प्री का स्टार्टिंग डेट क्या है, जो बोरोइंग का डेट है 15 जुलाई 2000, क्या है सर 16 16, लेकिन इसका एंड डेट तब पता चलता है जब हमें पोस्ट का स्टार्ट डेट पता चलता है, ऐसे किया ना, जो यहाँ गड़बड़ करेगा उसका पूरा गड़बड़ हो जाए। पोस्ट का स्टार्टिंग क्या होगा, कब डेट कंप्लीशन कब हुआ है प्रॉपर्टी, 31 मार्च 2022 को, तो स्टार्ट डेट क्या होगा 1 अप्रैल 2021, एंड डेट क्या होगा 21-22 हो जाएगा, 31 मार्च 2022। तो इसका 1 अप्रैल 2021 का मतलब एंड डेट क्या हो जाएगा 31 मार्च 2021। तो आपका ये रहेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये रहेगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन में अब आप बदल फटाफट बताओ, 15 जुलाई 2016 सर, ये आपका 16-17 का एरिया है ना, 17-18 18-19 19-20
2021 और आएगा क्या? और तो नहीं है 21 में खत्म। 16-17 में कितना दिन, कितना महीना, मंथ कितना होगा सर? 8 मास। हाँ सर। अरे 15 दिन है ना, तो 8.5 नहीं लेना चाहिए क्या? सर 8.5 हो गए, 8 मास 15 दिन मानना चाहिए। 8.5 ले लो, क्योंकि ये सर यदि 15 की जगह 14 या 13 होता ना, आप लोगों का मेहनत बढ़ जाता, तब आप उसको पॉइंट में कन्वर्ट करके दिक्कत में पड़ जाते हैं, तो नंबर ऑफ डेज से काउंट करना पड़ता, ठीक है, तब मेहनत थोड़ा बढ़ जाता है, डेट कैलकुलेशन से तब बहुत मुश्किल होता है। 56.5 मंथ्स, इतना टाइम का आपका प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट भरना है, तो भर दो ना। कितने का वैल्यूएशन है लोन का? 10 लाख का लोन है, 12% है, 56.5 करके डिवाइडेड बाई 12 कर दो सर, कितना होता है बोलो मुझे। सर टोटल अमाउंट की 2,33,000। हाँ हो सकता है, रुक जाओ, इतना देर वेट किया तो और थोड़ा रुक जाओ, मैं भी पहुंच गया ना, मैं भी ऑलमोस्ट पहुंच गया सर। इसका कितना बताओ ना, 1,13,000। हाँ सर, मतलब 1,13,000 करके आपका इंटरेस्ट है, मतलब ये डिवाइड करके, लेकिन ये टोटल अमाउंट बताओ पहले, 10 लाख 12% रेट में 56.5 मंथ्स का टोटल इंटरेस्ट कितना होता है? तो के भरोसे मुझे बैठना ही नहीं चाहिए, कर लेना चाहिए, बताते नहीं। 5,65,000। हेल्प करने से क्या चला जाएगा सर, सर मुझे हेल्प कर दो, मैं हेल्प मांगता हूँ आप लोगों से। 5,65,000 डिवाइडेड बाई 5, तो टोटल मंथली कितना हो जाएगा, पर ईयर कितना हो जाएगा? 1,13,000। थैंक यू सर। सर्विस 1,13,000 को क्या करना है? इस साल कंप्लीट हुआ है, दैट इज 21-22, और अगला 4 साल 22-23, 23-24, 24-25, and 25-26 क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1,13,000, 1,13,000, 1,13,000, 1,13,000, और जो इस साल का बात है, तो पोस्ट का कितना, पूरा साल भर का, तो 10 लाख इंटू 12%, 1,20,000, और इधर हो गया 1,13,000। स्टेटमेंट बना देने से क्या होता है, एक पर्टिकुलर आता है, एक लेटर होता है, एक इस होता है, बेसिकली इसके के बारे में ऐसे कुछ कहा नहीं है, फिर भी मैं दे रहा हूँ एक इन्हें भी, जो भी आएगा, ठीक है, जब कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगे ना, तो तुम्हें इन्हें भी डायरेक्ट कैलकुलेट करके फिर दिखाएंगे, बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ अभी स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो भी आएगा 30% का, वो भी आ जाएगा, इसका तो नील ही रहेगा। एसओ का सिर्फ एक ही बेनिफिट है ना सर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का सिर्फ एक ही बेनिफिट है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट का हिसाब मिलता है, बट लेट आउट का भी हर तरह का बेनिफिट है। इंटरेस्ट में कितना आया, मैक्सिमम 2 लाख का बेनिफिट मिल सका है, अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट है तो, अदरवाइज नहीं, सब्जेक्ट टू कंडीशंस और कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे 2,33,000 का बेनिफिट मिलेगा।
क्लियर हो रहा है सर? हेलो क्लियर हो रहा है ना? अब एक काम करो सर, कुछ क्वेश्चन घर पे देता हूँ, कर लेना कल, मैं देखूंगा। फटाफट लिखिए सर। डेट ऑफ बोरोइंग 1st of May 2000। कुछ बोल रहे हो क्या? हेलो ठीक है, 1st of May 2017। इंटरेस्ट बता दो 10 लाख का सर। 1 लाख हो जी। 10 लाख इंटू 12% करके कहीं से भी लोन लो सर, IDFC होम लोन, POCC 20th January 2022। ठीक है, calculate interest eligible for deduction. For previous year 2021-22, ऐसे जैसे गिवन रहेगा इस हिसाब से आपको सॉल्व करना। और भी तो क्वेश्चन लिखो, राइट मोर क्वेश्चंस। डेट ऑफ बोरोइंग 1st of August 2000। अकाउंट को मैं 10 लाख ही रखता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द रेट 12% ही रख देता हूँ। बैंक आप अपने मर्जी से रख लो, एक्सिस बैंक मैंने रख लिया। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है इसको डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन को 10th of September 2020 को कर दो। And date of repayment of loan, date of repayment of loan. So 31st December 2022 date of repayment कर दिया सर। डेट ऑफ रिपेमेंट क्या है? मतलब वो डेट क्या लिखा है आपने? डेट क्या लिखा है?
डेट ऑफ कंप्लीशन क्या दिया सर 10th ऑफ सितंबर 2020 10th ऑफ सितंबर 2020 टाइप और मिक्स आप देख लेना तो रीपेमेंट ऑफ लोन 31st December 2000 उसको भी ना 2022 मतलब लोन रिपे कर दिया सर ठीक है और एक क्वेश्चन लिखो तो और एक क्वेश्चन लिखो फर्स्ट क्वेश्चन डेट ऑफ बोरोइंग कैलकुलेट क्या करना है समझ गए ना सर कैलकुलेट इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शन प्रीवियस ईयर 21 बैलेंस असेसमेंट ईयर डेट ऑफ बोरोइंग रखना 15th of April डेट कर देना April 2016 10 lakh बैंक में कोई भी बैंक का नाम दे दो रेपको रेपको का नाम सुना आप लोगों ने रेपको होम फाइनेंस साउथ में चलता है हमारे यहाँ पर भी चलता है रेपको होम फाइनेंस ये थोड़ा डिफरेंट नाम है इसका बेसिकली श्रीलंका म्यांमार ये सब एरिया में ना गरीब पार्टी एक्ट का काम करता है तो मैं बताऊंगा इसका कहानी क्या करता है रेपको होम फाइनेंस लेकिन इतना जानो कि होम फाइनेंस बैंक है ठीक है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 15th of July 2022 and date of repayment of loan 5 lakh as on 31st December 2020 then देख लिया सर कैलकुलेट इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर द सेम कॉन्सेप्ट फॉर द असेसमेंट ईयर प्रीवियस फॉर प्रीवियस ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर और एक क्वेश्चन ना जब लिख लिया और एक क्वेश्चन लिखते हैं डेट ऑफ बोरोइंग 8th of July 2000
8th of July 2019 amount 10 lakh ही रख लो सर, ज्यादा हो गया, ज्यादा जीरो कट गया क्या? एट द रेट 12% ब्रैकेट में लिख दो, दूसरा बैंक का नाम लिख दो, ICICI डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 24th of January 2022 calculate interest eligible for deduction of previous year 21-22 is pending. कल टुमारो के क्लास में हम लोग सर बात करेंगे इंटरेस्ट के बारे में, बात नहीं करूंगा, बस आप लोगों का होमवर्क चेक करूंगा, और नॉट जस्ट ये वाला होमवर्क, लास्ट वीक भी मैंने कुछ होमवर्क दिया था और उस होमवर्क के अंदर मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस देके रखा, वो करवाऊंगा आपको, और उसमें अगर कोई बचा कुछ सेक्शंस है हाउस प्रॉपर्टी का, जैसे मुझे याद है एक कॉम्पोजिट ट्रेंड का एक कॉन्सेप्ट है, कॉम्पोजिट ट्रेंड का एक कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद आपका को ओनरशिप का एक कॉन्सेप्ट है, को ओन्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, मतलब PGBP या कोई भी फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर। इन द मीन टाइम अगर किसी का भी हाउस प्रॉपर्टी का क्लास मिस है या रिवाइज करना बाकी है वो लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करना स्टार्ट कर दे सर, ठीक है, और अगर फ्रेशली करना है तो जो प्रीवियस लेक्चर से फटाफट देख ले, कोई भी डाउट हो तो पूछ ले, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले, और लास्ट में जो भी होमवर्क मैं दे रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी का उसको भी घर पे प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। और साथ में एक चीज मैं सबको बोलूंगा, जिन लोगों का टैक्स का बेसिक्स नहीं पता वो लोग इमिडिएटली टैक्स का बेसिक्स करें और रेजिडेंशियल स्टेटस का वीडियो देखें, टैक्स का बेसिक्स एंड रेजिडेंशियल स्टेटस का बेसिक्स, जिन लोगों का टैक्स का बेस नहीं है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इतना जरूर करें सर, कोई डाउट हो तो मुझे, ठीक है, आज इतना ही है सर, कल मिलते हैं, ठीक है भाई, राखी दादा, ओके टाटा भाई, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर। Yes, Neil, Shivam, scanner है क्या?